फूडीज वेलकम. आज हम बनाने जा रहे हैं बटाटा वड़ा. एक्चुअली बेसिकली तो ये यूज होता है वड़ा पाव के लिए. आप इसको ब्रेड में डाल के भी खा सकते हैं. तो वड़ा पाव बनाइए, बटाटा वड़ा अकेला खाइए, ब्रेड के साथ जैसे मर्जी कर सकते हैं. उसके लिए यहाँ पे मैंने 3 आलू मीडियम साइज के बॉईल किए हैं. ये थोड़ा सा मटर है, प्याज है 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए, और 2 हरी मिर्चें. इसमें मैं 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 धनिया पाउडर 1 चम्मच. यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं, हल्की सी. 1/4 चम्मच डाली है मैंने. स्वाद अनुसार डालिए नमक. और हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च 1 से 1.5 चम्मच के करीब, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ रंग के लिए होती है, इसमें तीखापन नहीं होता. या तो आप तीखी मिर्च डालें तो कम डालिए, नहीं तो कश्मीरी लाल मिर्च आप 1 से 1.5 चम्मच तक डाल सकते हैं. इसको हम अच्छे से मैश करके मिक्स कर लेंगे. और उसके अलावा इसमें लगता है बेसन, जो कि बहुत गाढ़ा घुला हुआ होता है. ये मैंने ऑलरेडी देखिए घोल के रखा हुआ है, और इस ये देखिए कितना गाढ़ा घोल है ये. इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था 1 चम्मच, नमक और मिर्च. तो अब इसको पहले मिक्स कर लेते हैं, फिर बनाना शुरू करते हैं. ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया. तो अब हम इसके 4 से 5 हिस्से करके इसके राउंड्स बना देंगे, बॉल्स, अच्छे से टाइट से बॉल्स बना देंगे. डीप फ्राई होंगे ये बेसन में लपेट के, तो इसीलिए हमने ऑयल ऑलरेडी गरम कर दिया है देखिए डीप फ्राइंग के लिए. अब हम इसका सेक मीडियम रखेंगे और मीडियम सेक पर ही पकाएंगे ताकि अच्छे से पक जाए. अब ये बेसन जो हमने लिया था इसमें डिप करके और तेल में डाल देंगे इसको. आप चाहें तो बेसन में भी हल्दी डाल सकते हैं अगर आपको अच्छा सा रंग चाहिए तो. इस तरीके से सारे बना लेंगे. जब सब बन जाएंगे तो फिर अब आपको दिखाएंगे. ये नीचे की साइड से देखिए हो गया थोड़ा, तो अब हम इसको पलट रहे हैं ताकि दूसरी साइड से भी हो जाए. ये देखिए कितना अच्छा से हो गया ब्राउन. ऐसे ही ब्राउन ब्राउन चाहिए हमें सारे. तो एक बार ये दोनों साइड से इस टाइप से हो जाएंगे फिर हम इनको निकाल लेंगे. पर अभी तो इनका एक साइड और पकनी बाकी है. सेक मैंने अभी सिम कर दिया है मीडियम की जगह, ताकि पलटते पलटते और भी ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि इससे ज्यादा हो गए तो फिर वो जला हुआ लगेगा. अब एक बार ये बन जाएंगे तो फिर निकाल के दिखाते हैं. लीजिए ये बनकर तैयार हो गए. तो मैं आपको इनको रेडी भी करके दिखाती हूँ अगर आप खाली ऐसे ही बटाटा वड़ा खाना चाहते हैं, विदाउट पाव, आई मीन वड़ा पाव नहीं खाना चाहते, खाली बटाटा वड़ा, और या फिर आप ब्रेड के साथ खाना चाहते हैं, चाय के साथ, तो आप इसको ऐसे ही स्नैक की तरह खा सकते हैं. ये देखिए मैंने कट करके दिखाया आपको इसको, इसको भी कट कर देती हूँ. बहुत यम लगता है ये, एक्चुअली बॉम्बे की तो स्पेशलिटी है वड़ा पाव, और बटाटा वड़ा भी इनफैक्ट. तो ये देखिए
ये हो गया। इसके ऊपर हम छिड़क देंगे चाट मसाला, ये देखिए इसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाल दिया है। आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं चाय के साथ है स्नैक, चाट मसाला साथ में, ये हो गई इमली की चटनी। और इसको सर्व कीजिए, सब सबकी तारीफें पाइए फिर, और बताइए हमें, आपको बना के देखिए बताइए कैसा लगा। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय।